ना उस लड़की के पास जा सकता है ना मेरे पास आ सकता है, सीधे जेल ठेका दूंगी। किसको जेल ठेका दूंगी? उसी को ठेकाऊंगी, क्यों नहीं ठेकाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी ना। हो गया है, तुम सिंदूर भी लगाई हो, थोड़ा सा कैमरा में सब दिखाइए, थोड़ा सा सिंदूर भी लगाई है। परीक्षा भी नहीं दे पाई तुम? नहीं, मेरे ससुर का करनामा था, मैं परीक्षा नहीं दे पाई। वो बोले थे कि इसको हटा दो यहाँ से, पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़ा के इसको हटा दो। पीछा करते थे हम तो, उनका लेटर आया, मैं फाड़े कितना बार फेंक चुकी थी। कौन लेटर लिखता था? मेरे हस्बैंड लिखते थे। कौन हस्बैंड लिखते थे? शादी से पहले? हाँ। अच्छा, पा रही हो। अभी तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा है? सामान है, हम वही बेच बेच के अपने खर्चा चला रहे हैं। कौन सा सामान है तुम्हारे पास? फ्रिज है, एलसीडी है, बेड है, सब बेच बेच के काम चला रहे हैं। ये किसका सामान है? ये मेरे पति खरीदे थे। कल से तुम साथ में थी? जी। बच्चा उच्चा नहीं हुआ? 5 साल 5 साल था ना, दवा खिलाए थे वो मेरे को। कौन दवा खिलाया था? मेरा हस्बैंड ने। तुम क्या प्लान बनाए? तुम ही शादी करोगे दूसरी? नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। तो चलिए, आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान में, और हमारे साथ एक लड़की है जिसका नाम नीलम है। और नीलम को 9वीं के पढ़ाई के दौरान प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद से नीलम जो है कि घर से भाग जाती है। उसके बाद से तरह तरह के परेशानियों का सामना करती है नीलम। नीलम आज हमारे साथ है, और सबसे बड़ा बात आप सबको बता दें कि नीलम को जो प्यार हुआ था, नीलम का उम्र था 17 साल, और 17 साल की उम्र में नीलम को प्यार हुआ। उसके बाद से नीलम जो है कि दर दर की ठोकरें खा रही है। नीलम का अपना परिवार भी नीलम को छोड़ चुका है, और नीलम का जो पति था वो भी नीलम को छोड़ चुका है। 17 में तुम्हारा उम्र? 16 में हुई थी। 2016 में क्या हुई थी? ऐसे बातचीत करते थे, बात बहुत आगे बढ़ गई थी। 2017 में शादी किए थे, 8वां महीने में 9 तारीख को। अच्छा, प्रेम 2016 में शुरू हुआ था? जी। शादी कब की थी? 17 में हुई, शादी किए थे 2017 में शादी? जी। अच्छा, 8वां महीने में 9 तारीख को। 8वां महीने में 9 तारीख को शादी कहाँ हुआ नीलम? हैदराबाद में मंदिर में। हैदराबाद के मंदिर में शादी हुई? तो मंदिर में जो शादियाँ होती है उसका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है? नहीं। किस आधार पे तुम मान रही हो कि तुम्हारा शादी हो गया है? तुम सिंदूर भी लगाई हो, थोड़ा सा कैमरा में दिखाइए, थोड़ा सा सिंदूर भी लगाई है। चाहिए आपको पहले बताइए ना, वीडियो वाडियो सब कुछ है मेरे पास, आधार कार्ड पे उनकी नाम। किस चीज का वीडियो है तुम्हारे पास? वो शादी का सालगिरह मनता है, केक वोक सब खिलाते हैं, ये सब सब की चीज की वीडियो। कितने सालों तक शादी का सालगिरह मनाई हो तुम? 4 साल तक। किस क्लास में पढ़ते थे उस समय? मतलब 9th 10th में थे हम, पढ़ाई 10th का पूरा कर ली, सिर्फ 2-3 महीना बचा होगा परीक्षा देने के लिए। अभी नहीं दे पाई तुम? नहीं, मेरे ससुर का करनामा था, मैं परीक्षा नहीं दे पाई। वो बोले थे कि इसको हटा दो यहाँ से, पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़ा के इसको हटा दो। और तुम्हारे ससुराल वाले बुला रहे हैं तुमको? नहीं, वो भी नहीं बुलाते हैं, और थाना वाला रखवाते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है हम रखेंगे, और वो लोग मतलब कि घर में ले जाते हैं और मार पीट, और खाना पीना कुछ नहीं देते हैं, ना रूम देते हैं, बस ऐसे असुरा में जहाँ लकड़ी पे खाना बनता है वहाँ पे मेरे को बिस्तर देते हैं लोग। नीलम, अभी तुम्हारा पति कहाँ है ये बताओ? कुछ रिकॉर्डिंग है, मैं सुनाना चाह रही हूँ। हाँ, सुनाओ। क्या रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा सुनाओ। हेलो। हाँ ठीक है, चलो इसको बंद करो। और कुछ सुनिए तो पहले। 25 तारीख तक फोन करी, 28 के बारात है। तो वही बारात में मिले जी? ठीक है। अभी तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा है? सामान है, हम वही बेच बेच के अपने खर्चा चला रहे हैं। कौन सा सामान है तुम्हारे पास? फ्रिज है, एलसीडी है, बेड है, सब बेच बेच के काम चला रहे हैं। ये किसका सामान है? ये मेरे पति खरीदे थे। ठीक है, 17 साल की उम्र में तुम प्यार कर ली, अभी करो कि पति हमको कुछ नहीं देता, उसका सामान बेच के खा रहे हैं, तो तुमको उस समय नहीं समझ में आया था? ये पहले बी ए जो लड़कियां हैं इन 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, 3 महीना परीक्षा का था, इसको प्रेम हो गया, प्रेम के चक्कर में ये घर छोड़ दी, उसके बाद हैदराबाद में जाकर मंदिर में शादी करते, उसके बाद से ये दर दर की ठोकरें खा रही है, करीब 4-5-6 महीने से इधर उधर भटक रही है, रिश्तेदारी में रह रही है, और देखिए कि क्या हालत हो गया। कोई प्रशासन तुम्हारा मदद नहीं कर रहा है? नहीं। अब तुम क्या करोगी? क्या करेंगे, केस करेंगे कोर्ट से। क्या करते थे हम तो, उनका लेटर आया, मैं फाड़े कितना बार फेंक चुकी थी। कौन लेटर लिखता था? मेरे हस्बैंड लिखते थे। कौन हस्बैंड लिखते थे? शादी से पहले? हाँ। अच्छा, तो 5 साल हो गया, 5 साल से क्यों नहीं भागा था? उनके माता पिता जब जा करके मिले, जब भी तो आया है वो उनके साथ में। 5 साल से तुम साथ में थी? जी। बच्चा उच्चा नहीं हुआ 5 साल? 5 साल था ना, दवा खिलाए थे वो मेरे को। कौन दवा खिलाया था? मेरे हस्बैंड ने। जब भी था बच्चा था? हाँ, उस टाइम हम लोग पास कोई मतलब कि पैसा कौड़ी कुछ नहीं था उस टाइम।
कितना बार बच्चा मतलब कि नुकसान करवाई हो? तीन बार करवाई हो जी। प्लान तुम क्या प्लान बनाए, तुम ही शादी करोगे दूसरी? नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। ये तुमको तो अब नहीं रखेगा वो? कैसे नहीं रखेगा वो, कैसे रख लेगा, तुम बताओ कैसे रख लेगा? लड़ेंगे इसके लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा है वो बाहर में ले जाकर इनके माता पिता से मिलवाने लग गए, मिलवाते उनके। मेरे ससुर कहते थे दो शादी कर ले, घर में रखना एक बाहर में रखना। कौन का ससुर कहते थे जी? दो शादी कर लो। हाँ ससुर को बनाना चाहता। हाँ तो क्या करोगे अब, दूसरा शादी अगर वो कर लेता है सौतन बनकर रहोगी? ना उस लड़की के पास जा सकता है, ना मेरे पास आ सकता है, सीधे जेल ठेका दूंगी। किसको जेल ठेका दूंगी? उसी को ठेकाऊंगी, क्यों नहीं ठेकाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी ना। चलिए देखते रहिए, एक प्रेम कहानी जो थी नीलम की, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सुस्त हो रही है, क्योंकि नीलम अब कोर्ट में पहुंची है। देखिए क्या होता है, शैलेश दूसरा शादी करता है या नीलम उसे जेल भेजती है या नीलम को अपने घर पर लेकर रखता है। आगे की बने रहिए, आगे की कहानी आपको दिखाएंगे।